बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय वेब डेवलपमेंट सेशन। दिस इज़ अ वीकली सेशन इन उर्दू और हिंदी लैंग्वेज। सो आई विल कंटिन्यू फर्दर सेशन इन उर्दू लैंग्वेज। You can ask question in English or Punjabi, and basically you are welcome to ask question, and let's proceed further session in Urdu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, तो हस्बे मामूल हम सेशन का स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन में हम वेब डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें सीखते हैं, और इसमें हमारा जो मेन हमारा फोकस है वो चीज़ है क्वेश्चन आंसर सेशन। क्योंकि हम देखते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारी ट्यूटोरियल्स वीडियोस ऑनलाइन पढ़ी होती हैं, लेकिन होता ही है कि जब आप उनको शुरू करते हैं फॉलो करना तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हैं। तो अक्सर लोग यहीं पे वेब डेवलपमेंट सीखना छोड़ देते हैं, जहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं तो कोई उनको रहनुमाई नहीं मिलती, कोई बताने वाला नहीं होता। तो मेरे जो सेशन ये स्टार्ट करने का बुनियादी मकसद यही था कि जहाँ पर आप लोग स्टक होते हैं वो क्वेश्चन आप इस सेशन के दौरान पूछ सकें। तो मुदस्सिर हयात साहब ऑनलाइन हुए हैं, अगर आपका सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, वरना ये है कि हम लोग इसमें एक फ़्लो में सीखना शुरू किया हुआ है। हमने ये HTML, CSS, JavaScript, PHP, ये हमने और आगे प्लान है HTML अभी हम सीख रहे हैं। तो W3 स्कूल से हम वो सेशन एक, क्योंकि अगर क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते तो फिर हम उसको शुरू कर देते हैं फॉलो करना। तो बुनियादी मकसद मैंने बताया जैसे पहले कि क्वेश्चन आंसर्स इस सेशन का बुनियादी मकसद है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिला झिझक सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी सवाल नहीं पूछना चाहते तो कोई मसला नहीं, तब भी आप सेशन ये देखें, और दरमियान में अगर कोई जहन में सवाल आता है वो वेब डिवेलपमेंट से रिलेटेड, IT से रिलेटेड या जनरली कुछ भी आपके जहन में आता है सवाल, तो वो पूछ सकते हैं। और दूसरा ये आपके इल्म में होना चाहिए कि ये सेशन मैं साथ रिकॉर्ड करता हूँ, और यही स्क्रीन शेयरिंग के साथ या जो चीज़ आप सवाल जवाब होंगे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर बाद में मैं इसको YouTube पर वीडियोस के साथ अपनी उसमें लिस्ट में अपलोड कर देता हूँ। तो आप जो पुरानी हमारी वीडियोज़ हैं वो लिस्ट में देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये मेरे पास पिछली जो रिकॉर्डिंग्स की तफसील है वो पड़ी हुई है, लास्ट टाइम हमने ये इनपुट जो है इसके बारे में पढ़ा था, तो आज हम इंशाल्लाह ताला उससे आगे हम शुरू करेंगे। इस फाइल में ये है कि मैं साथ साथ चीज़ें डालता रहता हूँ, फिर यही टाइम स्टैम्प के साथ इसको मैं फिर नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड होती है तो उसके साथ ये चीज़ें शामिल कर देता हूँ। तो ये हमने लास्ट सेशन में किया था। अगर आपने अगर पुरानी वीडियोस भी देखी हैं या ये सेशन लास्ट सेशन भी देखा है, कोई भी सवाल हो तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं, या ये है कि आप कोशिश करें कि नेक्स्ट जो है वो चीज़ें रीड करके आएँ, तो फिर ये हो सकता है कि उस पर हम बहस कर सकते हैं। तो मैंने पीछे जो सेशंस हुए हैं उसमें भी ये चीज़ बताई है कि जो इनपुट है, ये इनपुट फॉर्म्स जो आपके फॉर्म्स हैं HTML फॉर्म्स, ये बहुत अहमियत रखते हैं। उसकी वजह ये है कि आपकी जितनी भी वेब एप्स हैं आप अगर देखें तो उसमें एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आप फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म की वैल्यूज़ डेटाबेस में जाती हैं, या फिर आप उसको प्रोसेस करके किसी रिपोर्ट की सूरत में दिखा देते हैं। तो यानी आपके साथ यूज़र के साथ इंटरेक्शन करने की चीज़ आपके पास ये फॉर्म है, तो उसके ऊपर जो भी इनपुट्स होती हैं। तो ये खैर हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं,
आगे अब हम हमें नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। तो ये हमारा इंशाल्लाह HTML कंप्लीट होगी, तो फिर हम CSS के करेंगे, फिर JavaScript करेंगे और फिर हम PHP करेंगे। तो ये जो दो टूल्स हैं, ये HTML, CSS और JavaScript, बल्कि ये तीन टूल जो हैं ये आपके फ्रंट एंड जो डेवलपमेंट है उसमें आते हैं, और ये आपकी SQL हो गई, PHP हो गई, ये आपकी बैक एंड जो डेवलपमेंट है उसमें आते हैं। तो इन दोनों को मर्ज कर दें आप, तो फुल स्टैक आप डेवलपर कह सकते हैं, या अगर आपको सर्वर मैनेजमेंट भी आती है तो वो भी ज़रूरी हो जाती है। तो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पहले मैं अपने वहाँ पे एंट्री शामिल करता हूँ और स्टार्ट हम साथ ही मैं इसका लिंक भी इसका शेयर कर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अभी इसको मैं खाली कर देता हूँ क्योंकि इसको फिर हम एंड जब होगा तो फिर यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगा। उससे ये होगा कि ये फिर मेरे पास नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। तो हमारे अमूमन ये होता है कि तकरीबन 5-1 मिनट हमारे ये इंट्रोडक्शन के अमूमन लग जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प में मैं अंदाज़ा मेरा है 5-1 मिनट ये लग जाते हैं। मैं अभी इसको देख भी लेता हूँ एग्जैक्ट अभी टाइम कितना हुआ है, तो उसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो हमारे बल्कि ये तकरीबन इस दफ़ा ज़्यादा टाइम लग गया है, तकरीबन 7 मिनट पे हम ये शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम इसकी रीडिंग करते हैं और एग्जांपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, और अगर बीच में एक आध इसमें आपका एक्सरसाइज आती है उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उसको भी अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं इसमें अभी शुरू करता हूँ कि कैनवस ग्राफिक क्या है। ये आपके पास एक छोटी सी रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपके एरिया मिल जाता है जिसके ऊपर आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि इसकी एग्जांपल्स किसी एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो टैग का हमें ये पता है कि टैग हमारे HTML का यही स्टैंडर्ड है कि ये ब्रैकेट स्टार्ट होती है, टैग का नाम होता है, फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं और इक्वल से आगे उसकी वैल्यूज़ होती हैं, और फिर इसी तरह अमूमन ये हम क्लोज़ भी इसी तरह स्लैश के साथ उसको करते हैं। तो जिस तरह ये एक एरिया डिफाइन हुआ है, तो एग्जांपल में हम देखते हैं इसमें हम फिर क्या क्या कर सकते हैं। अभी तो हम इसमें कुछ भी चीज़ ड्रा नहीं की है, आगे हम ड्रा करेंगे। तो ये हम देख लें कि ये इसको सपोर्ट कौन कौन से ब्राउज़र करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र ही सपोर्ट करते हैं। इस एग्जांपल में और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, और ये दरमियान में जो लिखा हुआ है ये तब शो होगा अगर आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता, तो फिर ये रेक्टेंगुलर या बॉक्स कुछ भी नज़र आने के बजाय ये लिखा हुआ आ जाएगा। जिस तरह जावास्क्रिप्ट अगर आपने डिसेबल की हो तो वो नो जावास्क्रिप्ट का एक टैग होता है, उसके ज़रिए आपको पता लग जाता है। तो ये अभी हम एग्जांपल देख चुके हैं, अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एक लाइन ड्रा करेंगे। तो इसमें आप एक लिहाज से अपने जो पेज है उसको बड़ा इंटरेक्टिव कर सकते हैं, और शायद इस तरह की गेम टाइप चीज़ भी इसमें कुछ बना सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि बाकी तुम्हारा ये स्टैंडर्ड एक ये है HTML का स्ट्रक्चर है, ये हम ऑलमोस्ट वैसे ही करते हैं HTML5 का। तो यहाँ पे हमने ये कैनवस का टैग लगाया है और इसको हमने एट्रीब्यूट दिए है माई कैनवस, ये कुछ भी नाम देख सकते हैं, विड्थ हाइट जो हमें चाहिए थी यहाँ पे, और बॉर्डर यहाँ पे इसलिए हमने दिया है कि ताकि हमें वो इस एरिया का थोड़ा सा पता लग रहा हो ये कौन सा एरिया है, वरना अदरवाइज हम कुछ भी CSS यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक ये फंक्शन होता है गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में पहले से बना होता है,
पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसके ऊपर जो एलिमेंट्स हमने बनाए हैं, जिस तरह के एक एलिमेंट हमने ये टैग जो बनाया है, इसको हमने यहाँ से इसके ज़रिए इस सी के अंदर, यानी कैनवस अभी हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप पेजेस को डायनेमिक बनाते हैं, तो इसमें प्रोग्रामिंग हमने करनी होती है जावास्क्रिप्ट में, तो इसलिए वेरिएबल हमने बनाया है। और फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट, एक और वेरिएबल बनाया, और जो हमारे पास ये वाला एक ऑब्जेक्ट आया था कैनवस का, उसमें से हमने कंटेक्स्ट लिया है 2D, यानी इसके ऊपर अभी हम कुछ ऑपरेशन करने लगे हैं 2D, तो इसलिए हमने इसका कंटेक्स्ट जो है ना वो 2D लिया है। तो फिर हमने यहाँ पे CTX इसका नाम है ऑब्जेक्ट का, और मूव हमने कसर किया है 0 0 पे। तो आप अगर देखें ये बॉक्स है, तो इसका ये 0 0 ये पॉइंट बनता है। तो ये आपका वाई एक्सेस है, यहाँ पे इंक्रीज़ होगा तो ये होगा, और एक्स एक्सेस ये आपका नीचे की तरफ एक्स एक्सेस है। तो इसी तरह आप वैल्यू कुछ भी देंगे तो वो बढ़ेगी। तो हम देखते हैं कि पहले कसर मूव किया है, और फिर यहाँ से आपने लाइन ड्रा की है, पॉइंट जो है विड्थ और हाइट आप देखें वही इसके लास्ट पॉइंट जो बनता है 200 पिक्सल एक्स, और बल्कि 200 पिक्सल विड्थ और 100 पिक्सल वाई आ गया। तो और यहाँ पे अब इन्होंने स्ट्रोक का फंक्शन यूज़ किया। तो पहले हमने कंट्रोल मूव किया है, और यहाँ पे हमने लाइन ड्रा करनी थी इधर से इधर तक, लोकेशन के लिहाज से उसको बता दिया, और फिर हमने स्ट्रोक जिस तरह पेन के साथ हमने मार्क कर दिया है। तो अभी हम इस तरह करते हैं कि इस एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद, इसको एडिट करते हैं कुछ। जैसे अगर लाइन मैं चाहता था कि ये 100 से स्टार्ट हो, और यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ, तो फिर ये तकरीबन यहाँ से नीचे जानी चाहिए। और अगर यहाँ पे खैर हम ज़्यादा लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसके ऑब्जेक्ट की एरिया से बाहर निकल जाती है चीज़। तो बहरहाल इसके फंक्शन देखते हैं फिर, इसमें कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। सर्कल ड्रा करना है, बाकी अब देखें कुछ पैटर्न, जिस तरह की HTML का पैटर्न फिक्स हो जाता है, ये हमने ऐसे ही लिखना होता है। फिर कुछ पैटर्न इसका भी एक फिक्स है, जिस तरह कैनवस हमने ड्रा करनी है, ये इसी तरह स्क्रिप्ट आएगा, ये दो लाइनें भी ऑलमोस्ट आपने लिखनी ही होंगी। यहाँ पर फिर आपका ये अलग हो सकता है। तो इसमें हम एक पाथ बना रहे हैं, और ये एक फंक्शन है, और इसके पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है। मैं देखता हूँ आगे अगर इसके एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ें ज़ुबानी याद नहीं रहती हैं, इसको देखना पड़ता है रेफरेंस को। बहरहाल इससे सर्कल ड्रा हो रहा है, तो इसको देखते हैं कि अगर कुछ चीज़ इन्होंने मज़ीद इसमें बताई है। तो अमूमन जो हम सर्कल ड्रा करते हैं, हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस देते हैं, और साथ में उसका रेडियस दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं ये इससे हट के है, तो इसलिए मुझे इसको एग्जांपल को देख के आइडिया नहीं हो रहा। तो मज़ीद उन्होंने खैर एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ है। तो मेन यहाँ पे जो काम हो रहा है ये डिमॉन्स्ट्रेशन वाला काम हो रहा है कि आप इसमें क्या चीज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट तो हम वैसे भी लिख सकते हैं नॉर्मल, जिस तरह टैग्स हैं उसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखें बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही है, यहाँ पे हमने फॉन्ट डिफाइन किया है, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट को फिल किया, और यहाँ पे एक्स और वाई लोकेशन है जहाँ पे ये ड्रा होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल शुरू में हो, तो फिर हम 0 0 दे देते हैं, बल्कि एक्स को मैं 0 रहने देता हूँ, और वाई को
थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, क्योंकि वो 0-0 दिया तो वो बिल्कुल ही आउट हो गया है। तो जितने फिर आपने यहाँ पे हाइट दिया है, फिर कम से कम इतना फिर आप मेंशन करेंगे तो वो सही प्रॉपर नज़र आएगा। और यहाँ पे मैं एक्स अगर 30 करता हूँ तो फिर ये इस हिसाब से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। तो ये फिर आपने एक्स वाई की वैल्यूज़ खुद ज़ेहन में रखनी होती हैं। अब यहाँ पे थोड़े से और तरीके से इसको हैंडल किया हमने, वहाँ पे हमने फिल टेक्स्ट किया और यहाँ पे स्ट्रोक टेक्स्ट यूज़ किया है। तो ये हम देख सकते हैं कि उसका डिफरेंस सामने नज़र भी आ रहा है। आगे हम चलते हैं, ग्रेडियंट फिलिंग किस तरह कर सकते हैं, बाकी स्ट्रक्चर मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। ऑलमोस्ट वैसे ही है ये चीज़, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। और ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, स्क्रिप्ट का टैग होता है, स्क्रिप्ट का टैग हम क्लोज़ करते हैं। ये दो लाइनें आप देखेंगे ये हमारी ऑलमोस्ट वैसे ही आ रही हैं, तो डिफरेंस इसके बाद आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट डिफाइन किया है और एक रेड कलर शामिल किया है और दूसरा वाइट कलर। और यहाँ पे हमने ग्रेडियंट ये वेरिएबल बनाया है और इसको हमने इसके फिल स्टाइल में ऐड कर दिया है और इसको फिर रेक्टेंगुलर एरिया भी बता दिया है। ये पहला पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो और ये दूसरा पॉइंट जहाँ पे एंड हो। तो इसके अंदर अंदर ही इसको रखा है। तो बहरहाल इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ग्रीन के साथ अगर करेंगे तो कैसे होगा। और अगर बीच में हम अगर एक और स्टॉप ऐड करें तो कैसे होगा। मेरे ख्याल में तो इस तरह ये हो जाना चाहिए। कुछ चीज़ें बस आप अंदाज़े से करते हैं क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है एग्जांपल में। इस तरह फिर नहीं है, वैल्यूज़ मैं चेंज करके देखता हूँ शायद इस तरह हो जाए। वन करता हूँ सही, लेकिन ब्लू तो इसको देखते हैं डिस्क्रिप्शन इसमें कुछ है नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं है तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन वाला काम ही हो रहा है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम अमूमन वेब डेवलपमेंट में नहीं करते, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूरत करनी पड़ सकती है फिर आपको इसकी डिटेल्स में देखना चाहिए। तो मेरा ख्याल यही था कि ये आपके इसके सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है 0-1। तो बहरहाल इसको देखते हैं, ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर है यहाँ तक और ये चीज़ भी सेम है। यहाँ पे आके ये अब उसमें लीनियर टाइप था और यहाँ पे ये मुख्तलिफ ग्रेडियंट है। और फिर कलर ऐड किए रेड और वाइट, तो यहाँ से ये ग्रेडियंट फिर डिफाइन बन रहा है। बाकी तकरीबन ये चीज़ वैसे ही है।
तो आगे हम चलते हैं। इमेज ड्रा करना है और इसको देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये चीज़ स्टार्ट एंड ऑलमोस्ट सेम है। पैराग्राफ हमने एक डिफाइन किया, ऊपर ये हमें टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है नज़र। फिर हमने एक इमेज बनाया, इसको एक आईडी दी और एक्चुअल जो इमेज है उसका हमने नाम दिया। और ये इमेज इस सर्वर पे पड़ी होगी, इसको हम खोल के एक दफ़ा देखते भी हैं कि असल असल जो तस्वीर है वो कैसी है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि कोई और पाथ नहीं दिया हुआ, हमने पहले ये चीज़ डिस्कस की हुई है पिछली वीडियोस में, एक एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। तो ये इसमें रिलेटिव पाथ में आ जाता है और ये फिर इसका मतलब है कि ये इस फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए, w3schools/html, और ये तो आगे वो फाइल आ जाती है। तो यहाँ पे इसको अगर हम पेस्ट करें तो ये तस्वीर नॉर्मल हमें व्यू हो जाने चाहिए। तो ये हम देखते हैं ये ऑलमोस्ट वैसी ही है। तो फिर कैनवस में करने का क्या फ़ायदा हुआ, बहरहाल देखते हैं। कैनवस हमने ये उसके लिए कैनवस टू फिल, अच्छा इधर ट्राई पे क्लिक करना है तो ट्राई पे क्लिक करते हैं। तो अब ये कैनवस के अंदर ड्रा हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर और कोई प्रोसेसिंग भी इसके ऊपर कर सकते हैं। थोड़ी सी हम ट्राई करते हैं क्योंकि ये चीज़ें इसी तरह ट्राई करने से, यहाँ पे हम सर्कल या रेक्टेंगल डालें तो ये फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। तो ये हम करते हैं अभी, पहले में तस्वीर का आइडिया हो गया कि उस पर ट्राई पे क्लिक करना है तो उसके बाद असल काम है। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि ये बटन है ये ट्राई एट वाला, और इसमें जो अहम चीज़ है वो ये चीज़ है ऑन क्लिक। तो ये इवेंट्स कुछ प्री डिफाइंड इवेंट्स हैं, तो उनमें से एक ये ऑन क्लिक इवेंट है जो आम इस्तेमाल होता है। तो ये हमने आगे फंक्शन लिखा है, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ये वाला थोड़ा सा चेंज है, ये स्क्रिप्ट इसके बाद। तो ये देखें ये कॉमन है, ये वैसे ही होता है, हमारी बॉडी क्लोज होती है इसी तरह HTML। तो यहाँ पे देखें हमने फंक्शन लिखा है, फंक्शन का नाम लिखा है, यानी हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये तो सेम वैसे ही किया है, और 2D कंटेक्स्ट लिया है, ये भी ठीक है। तो ये इमेजेस बेसिकली 2D होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक और चीज़ उन्होंने की है कि जो इमेज एलिमेंट है उसको भी हमने आईडी असाइन की हुई है, तो यहाँ पे उसको कॉल किया है। तो यानी इस वेरिएबल के अंदर वो इमेज का ऑब्जेक्ट बन गया है। तो फिर जो कंटेक्स्ट है CTX के अंदर, ड्रॉ इमेज और इसका नाम दे दिया है, और ये इसको लोकेशन भी दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे दी हैं। तो अभी हम जैसे पहले कहा है कि इसमें हम थोड़ा सा कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले तो हम ये इसके ये वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज करके देखते हैं कि ये एक्स वाई ही हैं, क्योंकि मैंने जो बात किया वो एक अंदाज़ा है। तो इसमें यह है कि इसको रन करना है पहले, फिर फिल पे करना है। तो ये बात ठीक है, यानी कि देखें पहले वो इधर ड्रा हो रहा था और अभी इधर हो गया, और बल्कि ये अब कटिंग भी हो गई है, तो उसको हम वही रहने देते हैं, या ये यहाँ पे चेंज कर दें या इस पेज को रीलोड कर दें। तो दोनों सूरतों में वो हो जाएगी चीज़ जो हम चाह रहे हैं। तो सही हो गया, ये इसके अंदर आ रही है। तो अभी हम पिछली जो एग्जांपल्स हमने की हैं, जिस तरह के हमने एक लाइन ड्रा वाली की है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कर्सर पहले मूव करना है और ये कोड हम लिखते हैं। तो हो सकता है ना चले, लेकिन ये चीज़ें ट्राई करने से ही फिर पता लगती हैं। तो कोड के इंडेंटेशन कर देता हूँ, बहुत ज़रूरी होती है जब आप लॉन्ग रन में जब कोड देखते हैं, इंटेंट जो हुआ वो होता है उसको समझना आसान होता है। तो नाम देख लें, उधर भी ये CTX का वेरिएबल है तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पुरानी एग्जांपल से कोड कॉपी करें, तो यहाँ पे इसका नाम कुछ और था, CTX1 था, तो फिर
यहाँ पे भी या तो CTX1 करे या फिर यहाँ पे CTX1 को ख़त्म करके जो यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ है उसका नाम लिखें। तो ये चीज़ें आपने खुद जहन में रखनी होती हैं। तो अभी ट्राई करते हैं और लाइन देखें वैसे ही ड्रा हो गया। अब ये एक चीज़ इंटरेस्टिंग है। तो अभी तो हमने देखें एक इस पे फंक्शन किया है, इस पे क्लिक पे किया, तो हम इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं कि एक ट्राई इट 2 कर देते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन कर नाम दे देते हैं, ड्रॉ लाइन के नाम से एक फंक्शन लिख दिया। तो ये फंक्शन हमने बनाना भी है। तो यहाँ पे आपकी आ जाती है प्रोग्रामिंग स्किल। तो जिस तरह वहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है सेम उसी तरह फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, उसके ये ब्रैकेट्स लिखे, स्टार्ट बॉडी क्लोज बॉडी। तो ये वाली चीज़ जो है हम चाह रहे हैं कि ये वहाँ पे चली जाए। तो वैसे मैंने इसमें कोई स्पेसिफिक काम नहीं किया हुआ, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इसमें नहीं है। वेब डेवलपमेंट का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है। लेकिन आप चीज़ें इस तरह कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसको रन करते हैं। तो बटन अब ये यहाँ पे दो आ रहे हैं, पहले आपने ड्रॉ किया, अब ड्रॉ टू पे क्लिक करेंगे तो उप्स इसमें हाँ एग्जीक्यूट होना चाहिए था। देखें अब हमने क्या गलती की है कि यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट तो कर दिया आगे, लेकिन जब ये कोड यहाँ पे था तो इसको ये CTX वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा था क्योंकि वो ऊपर डिफाइन हुआ हुआ था। तो ये चीज़ हमने फिर से करनी है। तो इसको दोबारा से हम ये दो लाइंस इधर कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसको वो ये कंटेक्स्ट भी मिल जाएगा। तो आपको अपनी गलती निकालने की भी सलाहियत होनी चाहिए, कोड को आप देखें अपनी गलती निकाल सके, तो तभी आप फिर अपने इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मैं स्क्रीन शेयरिंग अभी स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि कोई भी ज्वाइन नहीं किया हुआ किसी ने, बल्कि मैं ऑडियो भी बंद कर देता हूँ ताकि कम से कम रिसोर्सेज जाएँ। फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग दोबारा ऑन कर दूंगा अगर कोई ज्वाइन करता है तो। यहाँ पे एक हमने अहम चीज़ देखी है कि ये वेरिएबल्स नहीं थे तो उसने काम नहीं किया। तो ये फिर हम वेरिएबल्स डालेंगे तो ये चलेगा। अभी तक मुझे जब तक इसको हम रन नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी, लेकिन एक बज़ाहिर नज़र आ रही है कि ये चीज़ यहाँ पे देख के मुझे समझ आई है कि मिसिंग थी ये ऊपर CTX। तो CTX ये कंटेक्स्ट का जो हमने वेरिएबल बनाया है इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ये आगे फंक्शन सेम होगा। तो इसमें हमें लग रहा है, पता लग रहा है कि ये कैनवस का भी ऑब्जेक्ट बनाना है सी, तो इसलिए फिर ये भी बनाया। तो इसको अब रन किया, अब इसको ट्राई पे क्लिक किया और टू पे क्लिक किया तो लाइन ड्रा हो गई। इसको एक दफ़ा फिर रन किया और ट्राई टू पे पहले क्लिक किया तो ये लाइन फिर भी ड्रा हो जानी चाहिए, और इस पे दोबारा बाद में क्लिक किया तो वो अब क्योंकि ये बाद में ड्रा हुआ है तो वो फिर पिछले वाला हिडन हो गया, जो थोड़ा सा हिस्सा उसके बाहर था वो वैसे ही नज़र आ रहा है। तो खैर इसको हम दोबारा क्लिक कर देते हैं, उन लाइन ऊपर आ जाएगी। तो इसको हम आप ये सोचें कि एक आप एप्लीकेशन बनाते हैं, एक मैं आपको आइडिया देता हूँ कि एक आप एप्लीकेशन बनाएं इस तरह के, आप कोई भी फैंसी कोई फंक्शन इस तरह के बनाएं जिस तरह के एक ये है सर्कल वगैरह, और चीज़ें भी कर सकते हैं, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि ये ड्रॉ में आप कुछ और चीज़ें भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बटन्स बना लें, ड्रा सर्कल्स ड्रा समथिंग वगैरह वगैरह इस तरह कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि एक जेनेरिक सी इमेज है जिसमें आप बंदे से कहते हैं कि वो अपनी फ़ोटो अपलोड करे, फ़ोटो अपलोड हो तो उसको उस पॉइंट पे आप शो कर दें, जिस तरह एक ये पीछे बैकग्राउंड है तो यहाँ पे सर आप एक जगह पे उसको ऐड कर दें, सिर्फ सर उसको आप फ़ोटो लें ऐसे जिसमें सर सिर्फ हो। तो इस तरह की आप इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। चलें इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और ये हम चीज़ कर चुके हैं। टेक्स्ट लिखना है ऊपर, फ़ोटो आप उसके ऊपर कुछ फैंसी सा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं ये चीज़ कर सकते हैं। और आगे हम चलते हैं।
इसमें हमने आखिरी चीज़ क्या की थी, सर्कुलर ग्रेडियंट, ये ड्रा इमेज वाला हमने किया था। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल कैनवस का ही सेपरेट ये आप ट्यूटोरियल देखना चाहें तो अलग से ये ट्यूटोरियल भी है कैनवस का और डिटेल में, लेकिन क्योंकि अमूमन हम इसमें ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो हम वेब डेवलपमेंट जो अमूमी करते हैं उसमें ये चीज़ें हम नहीं करते ज़्यादा। हाँ आप मतलब यहाँ पे इन्होंने लिखी हैं तो इसमें यह है कि आप इसको गो थ्रू कर लें कि अगर कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि मैंने आपको एक आइडिया दिया है इस तरह की आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो फिर आप इन लेसन्स को दोबारा देखें। तो मेरा मकसद ये है कि आप की स्किल ये बने कि आप खुद से अपनी चीज़ें इधर से रीड करें, उसको चेंज करें अपने मुताबिक, अगर कोई गलती है तो वो आप उसको ट्रैक कर सकें, गलती को फिक्स कर सकें। तो यही चीज़ें हम प्रोफेशनली यही चीज़ें करते हैं। आपको टास्क दिया जाता है, जो भी आपका क्लाइंट है या जिधर नौकरी कर रहे हैं, आपने उसका कोई सोल्यूशन निकालना होता है, ढूंढना होता है। अगर आपको पता है फिर तो आप उसको फ़ौरन कर लेते हैं, लेकिन नहीं पता तो फिर आपको सर्च करना पड़ता है। APIs अगर किसी कंपनी की दी हुई हैं किसी प्रोजेक्ट की, वो देखते हैं आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, फिर आप उसका एक डेमो टाइप एक चीज़ बनाते हैं कि ये चीज़ एक्चुअली हो भी सकती है कि नहीं। जब उसमें आप डेमो में वो हो जाती है तो फिर आपकी जो एक्चुअल काम है उसमें आप उसको एम्बेड करते हैं। तो ये चीज़ें फिर आपने सीखनी होती हैं। एक वर्किंग कोड है उसको आपका टेस्टिंग कोड जो आपने बनाया है वर्किंग, उसको आपका जो प्रोडक्ट है एक या प्रोजेक्ट है उसमें कैसे एम्बेड करना है। तो कॉपी पेस्ट तो चीज़ें होनी है लेकिन देखभाल के करनी है। तो मकसद ये है कि ये चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएं। तो जिस तरह हम कैनवस पे ड्रा कर सकते हैं, SVG एक ये फॉर्मेट है वेक्टर बेस्ड, तो इसमें भी हम काम कर सकते हैं, स्केलर वेक्टर ग्राफिक SVG। एक पिक्सल बेस्ड होता है और एक वेक्टर बेस्ड होता है। तो इसमें डिफरेंस ये होता है, पिक्सल बेस्ड में जितने पिक्सल्स हैं वो आप तस्वीर को छोटा बड़ा करें वो पिक्सल्स उतने ही रहेंगे, लेकिन जो वेक्टर बेस्ड है उसमें यह है कि आप जितना मर्ज़ी उसको जूम मतलब उसको बड़ा करना चाहते हैं, रीसाइज करना चाहते हैं, यानी आपने एक डिज़ाइन बनाया लोगो, वो आप एक छोटा सा आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है देखें इसको फिर आइकन बोलते हैं, ये इस साइज़ का आप उसको बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। और इसी को हो सकता है आप पूरा 60 फीट का अगर कोई बोर्ड है आपके बाज़ार में किधर लगा हुआ है तो वो हो सकता है आप उसमें भी उसको इस्तेमाल करें, तो वो उसी तरह जब उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो उसी क्वालिटी में ज़बरदस्त किस्म की हाई डेफिनेशन आप समझ लें उस टाइप की वो क्वालिटी के साथ निकलेगा। लेकिन अगर वो पिक्सल बेस्ड है तो पिक्सल फिर जब बड़ी चीज़ पे उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तो पिक्सल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये रिकमेंडेशन है W3C की जो कि वेब के स्टैंडर्ड्स है उसके लिए। बहरहाल इसको हम यहाँ पे तो थे थोड़ा सा एक ओवरव्यू से ही हो गया क्योंकि एक चैप्टर है, तो अलग से गालबन यहाँ पे इसका ट्यूटोरियल अलग से भी शायद होगा, लेकिन हमारा बहरहाल ये अभी टारगेट नहीं है इसको करने का, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे एक आ गया तो एक ओवरव्यू से आपको पता लग जाता है, तो किसी प्रोजेक्ट में आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अभी के लिए मेरे सामने जो टारगेट है वो ये है कि हम ये कुछ HTML में आ जाए, कुछ CSS आ जाए, कुछ JavaScript आ जाए और मेन PHP आए, फिर हम एक वेब ऐप बनाएं जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वगैरह वगैरह कुछ भी, फिर हम बाकी चीज़ें बूटस्ट्रैप या और टूल्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो SVG हम देखते हैं किस तरह इस्तेमाल होती है। अब ये चीज़ें हम पहले क्योंकि की हुई हैं इसको हम सिर्फ जस्ट स्किप करते हैं, ये पैटर्न है HTML5 डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड यही है। इसमें अभी वो हेड सेक्शन मिसिंग है लेकिन चलें बहरहाल ये चीज़ें कॉमन है इसको स्किप करते हैं। तो ये एक नया टैग अभी हम देख रहे हैं, और फिर जिस तरह हमें पता है कि ये टैग के अंदर ये जो एरिया है यहाँ पे और एट्रीब्यूट हो सकते हैं, पहला एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू, दूसरा एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू, तो
तो जिस तरह उसमें भी हमने रीजन डिफाइन करते थे, तो इसमें भी रीजन डिफाइन हुआ है। तो अब एक आ गया सर्कल का टैग आ गया है, और अब देखें मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इससे आप ये चीज़ देख सकते हैं। जिस तरह मुझे पहले पता है एक्स वाई हम डिफाइन करते हैं और रेडियस डिफाइन करते हैं, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू ये डिफाइन हुई यहाँ पे, और फिर रेडियस डिफाइन हुआ तो उस पूरे एरिया का ये सर्कल बन गया। तो ये एक्स और वाई यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रोक ग्रीन दिया है, ये हमें ग्रीन स्ट्रोक नज़र आ रही है। स्ट्रोक विड्थ थोड़ी सी बड़ी की है, इसलिए वो वाजह पता लग रहा है। और फिल येलो के साथ किया है, तो यहाँ पे अगर वो आपका सपोर्ट नहीं करता ब्राउज़र, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसमें मेरे ख्याल में तो ब्राउज़र सपोर्ट इसकी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि हम देख सकते हैं। विंडोज़ एक्सपी तो नहीं इस पर चले गए, क्योंकि इसमें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 होता है, लेकिन आजकल विंडोज़ एक्सपी इस्तेमाल कौन करता है? विंडोज़ 7 इस्तेमाल होती है, या विंडोज़ 10 होती है, बल्कि विंडोज़ 10 ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो ऑलमोस्ट ये सब प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम इसको रेडियस कर देते हैं जी 50, तो थोड़ा सा ये और बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ऊपर जो हमने एरिया डिफाइन किया हुआ है ये उससे बाहर आप निकल रहा है, तो फिर या तो ये कि आप इसकी विड्थ और हाइट भी ज़्यादा कर दें ताकि वो आराम से उसमें फिल हो सके, और यहाँ पे इसकी एक्स जो है इसको मैं 70 कर देता हूँ, और वाई को भी 70 कर देता हूँ, ताकि इसको ऊपर से जो कट हो रहा है वो भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह और चीज़ें भी, सर्कल के अलावा और चीज़ें भी ड्रा हो सकती हैं, वो हम देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी अमूमन इस्तेमाल नहीं की, प्रोफेशनली नहीं की। वैसे आइडिया इसका है, SVG इस तरह के ये पॉसिबल हैं, तो किधर ज़रूरत पड़े तो फिर आपको पता होना चाहिए। ये वही पैटर्न है, टैग एट्रीब्यूट्स, और सेंटर में अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो ये मैसेज आएगा। अच्छा, और अब ये रेक्टेंगल, उसकी विड्थ हाइट और स्टाइल में, अब देखिए यहाँ पे CSS को इस्तेमाल किया है। वहाँ पे पहले जो हमने पढ़ा है सर्कल, उसमें CSS इस्तेमाल नहीं किया है, उसके अपने एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम CSS को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिल RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये RGB इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारा ब्लू होगा, और स्ट्रोक विड्थ 10 पिक्सल की, और स्ट्रोक RGB 000 मतलब ब्लैक कलर। तो अब जिस तरह रेड है तो इसको हम 255 कर देंगे, तो ये रेड कलर के आ जाने चाहिए बॉर्डर। बहरहाल और देखते हैं, इस तरह की और चीज़ें मिक्सअप करनी हो तो ये भी इंटरेस्टिंग एक चीज़ हो सकती है। और रेक्टेंगल करो ही, इसकी राउंड कर सकते हैं एक्स वाई, और इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन चले मैं देखता हूँ। जो हम पहले किया था उसमें सिर्फ हमने विड्थ और हाइट उसकी दे दी थी, यहाँ पे हम देखते हैं इसको विड्थ हाइट वो उसको दी है, SVG को दी है, वो पेरेंट टैग है, एलिमेंट है। इसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, विड्थ हाइट भी दी है, रेडियस एक्स शायद और रेडियस वाई, पता नहीं, मुझे नहीं इसका आइडिया, लेकिन बहरहाल देखते हैं। बाकी इसको हमने स्टाइल में फिल रेड दिया है, ठीक है रेड हुआ है, स्ट्रोक ब्लैक दिया है, ब्लैक आ गई है, उसकी विड्थ दे दिया है। अब ये इसमें एक नई चीज़ की है, ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है 1, यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अभी हल्का सा ये मतलब लाइट लग रहा है, अभी ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, क्योंकि अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, और अगर मैं इसको 0 दूंगा तो ये नज़र ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे पेस्टी इतने होने का मतलब ये है कि
अभी थोड़ा सा डिम आ रहा है, वन अगर करते हैं तो वो फुल अपने उसमें आता है। ट्रांसपेरेंसी यानी उसकी कम ज़्यादा हम करते हैं इसकी चीज़ की। खैर वो रह गया है, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं हुआ ये क्या चीज़ है। राउंडेड, इसमें ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल देखिए अब समझ नहीं है तो इसको ट्राई करने से ही समझ आएगी। तो पहले तो मैं ये 0 0 देता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही है। बिल्कुल ये स्टार्टिंग पॉइंट ही है। पेज को रीलोड करता हूँ ताकि वो वैल्यूज़ आ जाएँ। और अब इसके साथ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको मैं अगर कम करता हूँ तो मेरे ख्याल है ये जो राउंड हो रहा है वो ये उसकी बता रहा है, राउंड जो कर रहे हैं हम। तो इसको मेरे ख्याल है अगर हम 0 0 कर देंगे तो बिल्कुल वो रेक्टेंगुलर ही हो जानी चाहिए। और इसको मैं अगर 5 5 करता हूँ तो ये हल्की सी रेक्टेंग हल्के सा वो कर्व आएगा। और 50 अगर दूंगा तो अच्छा खासा आ जाएगा, और बल्कि बहुत ज़्यादा अगर किया तो ये सर्कल ही शायद बन जाए। तो देखिए हमने इस चीज़ का हमें नहीं पता था, मतलब मुझे नहीं पता था, आपको हो सकता है शायद पता हो। लेकिन इस तरह आप चीज़ें अगर नहीं पता आप इस तरह एक्सप्लोर करके उसको सीख सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। तो ये अब आ गया थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कि आपने अगर इस तरह से स्टार बनाना है और इसके भी अब थोड़ा समझना पड़ेगा। ये इसके बाकी स्टैंडर्ड हो गया और पॉइंट्स, पॉइंट्स में अभी पॉइंट्स को हम देखते हैं। और यहाँ पे जो मुझे चीज़ समझ आ रही है वो है इसमें फिल, हमने कलर्स का दिया स्ट्रोक पर्पल, बल्कि ये पर्पल आ रही है, स्ट्रोक विड्थ और फिल रूल इवन ऑड। यानी यहाँ पे कुछ में एम्प्टी रहने दिया और कुछ में फिल किया है। तो यहाँ पे जो मेरे जेन में आती है चीज़, यहाँ पे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, या तो इस तरह हो सकता है और या फिर ये हो सकता है कि जिस तरह एक पॉइंट है और यहाँ पे उससे अगले पॉइंट की हम वैल्यू देते हैं वो कनेक्ट हो रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है, इस तरह होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए अब ये चीज़ अब समझ आ रही है कि पहला पॉइंट तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, आगे दो दो पॉइंट्स हैं, फिर दो पॉइंट्स। तो इसमें ऐसे करते हैं कि पहले इसको हम साथ साथ कट करते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। कुछ भी नहीं आया, ठीक है ये ऐसे ही होना चाहिए था। एक पॉइंट हम ये कट करते हैं, अभी भी कुछ नहीं आया। दो पॉइंट रहने देते हैं तो फिर वो जो इवन ऑड वाला चक्कर है उसमें से मेरे ख्याल है अब ये कुछ इसको शो करना चाहिए। हाँ, और मज़ीद पॉइंट्स में हम ये शामिल करते जाते हैं। यानी पहले ये पॉइंट था अकेला, कुछ नहीं बना, यहाँ तक आया, और इसके बाद ये पॉइंट हमने दिया तो ये रीजन बन गया। और हम ड्रा करते हैं, अब यानी यहाँ से जब हमने ये इस पॉइंट ये पॉइंट दिया, पहले ये पूरा इस तरह फिल था, तो ये कट जब हुआ तो दो ये रीजन बन गए। और इसमें वाइट फिलिंग है और इसमें दूसरा कलर।
तो अब ये इसके बाद आ जाता है आखिरी पॉइंट, और ये शायद ऐसे होगा गालबन, और उसके बाद सारे वो इवन आर्ड वाले हिसाब से फिल हो जाएंगे। पहला ये बहुत टेक्निकल है, इसमें समझना मुश्किल है ये किस तरह उन्होंने पॉइंट्स डिफाइन किए हैं, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से कुछ चेंज करते हैं। ये उसका लास्ट पॉइंट हो गया, और ये जो रूल है, एक तो इस रूल को पहले, बल्कि हम इस रूल को हटा के देखते हैं, तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बल्कि ये मेरे ख्याल में लाइम कलर ही हो जाएगा फुल, पता नहीं, बहरहाल चीज़ें ये अप्लाई करेंगे तो। हाँ जी, ऐसे ही है। और इसकी विड्थ अगर हम ख़त्म करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, बहुत हल्की सी है। और ये स्ट्रोक ख़त्म ही कर दें तो फिर ये बिल्कुल फिल हुआ, बस तारा बन गया। तो ये ग्लासेस को हम इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का झंडा बना सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर हम शेप बनाए। लेकिन अब इसको मूव करना है तो फिर ये भी पता होना चाहिए ना। इसको मैं अगर 200 दे दूं, और ये तो कुछ और से कुछ और ही हो गया है, मतलब ये फिर इसके साथ सारे पॉइंट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। 100, 100, और यहाँ से इसको मैं 50 करूँ तब भी गलती होगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और सही इसको 0 दूंगा तो और ये और उस तरफ ये चीज़ और इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। सही, इस तरह थोड़ा सा अब ये समझने में कुछ ये आसानी हो रही है। अब हम अपनी मर्ज़ी के पॉइंट्स इसको दे के ट्राई करते हैं। ये स्टार्ट हो गया, और इसको हम 20, 80 देते हैं। वैसे ही रैंडम मैं ये दिया पॉइंट, लेकिन इससे तो बैरल पॉइंट्स हम यही लेते हैं। इसको फिर थोड़ा सा मैं और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि ये किस तरह ड्रा हो रही है। स्टार्टिंग में 0 देना चाहता हूँ, और यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ। एक और पॉइंट आएगा तो फिर ये, हमें पिछली दफ़ा भी हमने ये देखा था कि हमें ये नज़र आना शुरू हो गया था। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फिर 100 भी था। पम 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 पम, अच्छा, इसमें फिर हमने वो चीज़ें भी ख़त्म किया है, इवन ऑड और ये चीज़ ख़त्म किया है। तो ये हमें एक दो तीन चार पॉइंट्स, यानी कि इसको 0-0 दिया मैंने। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट 10 और 40 हो गया, 10 तकरीबन ये हो गया, और 40 ये हो गया। तो अगर मैं इसको भी 0 करता हूँ तो ये बिल्कुल सीधा इधर आ जाना चाहिए। नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया।
वेल अभी मैं इसको स्किप करता हूँ ये, क्योंकि अब मुझे मज़ीद समझ नहीं आ रहा, वैसे हम इसको गूगल कर लें तो हमें ज़्यादा पता लग जाएगा। चलो इसको मैं अब स्किप करता हूँ और आगे चलते हैं कि लोगो किस तरह बनाया है। अब ये चीज़ मुश्किल भी है, लेकिन ये वन टाइम आपकी वो मुश्किल है अगर आप इस तरह की चीज़ डिफाइन कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ से ऊपर तक ऑलमोस्ट सेम है और ये नीचे से भी सेम है, ये चीज़ भी सेम है। तो अब इसमें एक नई चीज़ ये लिखी है, डेफिनेशंस ही समझ आ रही हैं, डेफ्स देखते हैं आगे। लीनियर ग्रेडियंट, इसको आईडी दी, वैल्यूज x1 y1 x2 y2, स्टॉप स्टॉप कलर रेड और ग्रीन को मिक्स करें, ये कलर बना और स्टॉप ओपेसिटी 1 दी, स्टॉप 0 ऑफसेट 0 इसको 100 पे दे दिया, ये एंड वाला एरिया शायद बन जाता है और इसको रेड कलर दे दिया, और ये जो पीला सा कलर आया है ये इस वजह से आया है। इसमें से मुझे जो चीज़ एक चीज़ ये समझ नहीं आई, 0% तो ये समझ आ गया, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और 100% गालबन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आई, ये x y और ये यहाँ पे 100%। बहरहाल देखते हैं इसको, और यहाँ पे हमने एक और क्लिप्स ऐड किया है और उसको ग्रैंड वन अच्छा, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं देखता हूँ। अच्छा टेक्स्ट भी इसको बाद में दिया है, फॉन्ट फैमिली और SVG, ये टेक्स्ट आ गया, इसको हम चेंज कर सकते हैं, और इसका फिल कलर बताया है, फॉन्ट साइज बताया है, फॉन्ट फैमिली बताई है, और ये आपकी जो शेप बनी है वो इस वजह से बनी है। इस दोनों को 50-50 दे देंगे तो ये राउंडिश हो गई है, और ये इसका पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको मैं 200 करूँगा, तो बल्कि इसमें 200, हाँ बल्कि विड्थ में तो है, ये आगे ही निकल गया है, और टेक्स्ट इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि वो वाइट कलर में है। तो अभी इसमें जो चीज़ समझ एक नहीं आई, हाँ एक इसमें फिल किसको करना है, फिल कलर ये जो हमने ऊपर डिफाइन किया है ये आईडी,
ग्रेडियंट ये इसको बता रहा है कि ये अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो इसको मैं रीलोड करता हूँ और थोड़ा सा उसके साथ हम एडजस्टमेंट करते हैं। जिस तरह ये कलर, अगर यहाँ पे भी मैं इसको 200 कर देता हूँ तो ये ब्लैक से ट्रांजिशन होनी चाहिए रेड की तरफ। और इसी तरह इसको मैं अगर 255 करूँगा तो ये हो जाएगी वाइट से रेड की तरफ। और इसी तरह इसको हम ब्लैक भी कर सकते हैं। जस्ट मतलब अब आइडियाज़ इस पर अप्लाई कर रहे हैं। ओपेसिटी अगर 0.5 कर देंगे तो 0.5 कर देंगे तो ये थोड़ा सा और इस तरह का इसका इफेक्ट होगा। इसके भी 0.5 कर दें तो वो डिम सा हो जाएगा। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट इसको समझ लिया है सिवाय कुछ चीज़ों के। एक जिस तरह ये चीज़ मुझे इसका पॉइंट समझ नहीं आ रहा था, तो इसको मैं अगर 50% करता हूँ तो गालबन ये ट्रांजिशन यहाँ से आगे होनी चाहिए, जो मेरा आइडिया है। गलत भी हो सकता है लेकिन ये ठीक है, ऐसे ही है। उससे पहले यही येलोश कलर और इसके बाद ये ट्रांजिशन हुई है। इसको फिर हम रीलोड करते हैं तो फिर जो मुझे ये चीज़ इसकी समझ नहीं आई, इसको मैं देखता हूँ कि ये अगर मैं इसको भी 100% करता हूँ तो क्या होगा। ग्रेडियंट के ही डिफरेंस आया है तो 0.0 से मुझे समझ आती है कि यहाँ से ये स्टार्ट करेगा और एक्स 100% है तो फिर वो ये होना चाहिए वाई। कुछ सही आइडिया नहीं मुझे। इसको भी 0 करूँगा तो शायद कुछ नहीं होगा। ये यानी कि इसी पॉइंट पे रहा सारा एरिया तो कुछ भी नहीं हुआ फिर। अच्छा इसको फिर मैं रीलोड करता हूँ और उसमें इसको 0 करता हूँ और उसको 100 करता हूँ तो फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ये मुझे जो समझ आ रही है बात, हाँ ये हमने देखा, इसको भी चीज़ को क्लियर कर लिया है। x 0 x 2 0 दिया है और y सिर्फ बढ़ाया है तो वो फिर ये एरिया बन जाता है। तो हम इसको इस तरह भी और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह भी ये मुख्तलिफ एंगल से कर सकते हैं कहाँ पे आपको किस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए। तो मिसाल के तौर पे अगर हम करना चाहें यहाँ से ये येलो स्टार्ट हो और नीचे की तरफ जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों तो 0.0 ही होंगे और मेरे हिसाब से दोनों फिर 50% होंगे। नहीं ये कुछ गलती होगी फिर। क्योंकि यहाँ से हल्का सा स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर आगे एंड हो गया है 50% पे। तो दोनों को मैं अगर 100 दूंगा तो तब शायद सही है। देखिए ये ऑलमोस्ट अब ऐसे हो गया है, ये इधर से स्टार्ट हुआ है और ये इधर पे एंड हो रहा है। पहले वो जो ये वाला था ये लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है,
फिर हमने टॉप से डाउन डाउन की तरफ भी किया है, और अब ये इस एंगल से किया है, तो जैसे ये 100, तो अब अगर हम ये 100% इधर लगा दें और इधर जीरोस कर दें, तो ये इसका ऑपोजिट होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट यानी इसको हमने इस्तेमाल ये सीख लिया है। तो टेक्स आप इसका कुछ भी लिख सकते थे, मैं मसलन अपना नाम लिख देता हूँ, तो इसमें कैपिटल में ज़्यादा सही रहेगा। फिर इनका साइज़ बड़ा करना चाहिए, क्लिप्स का साइज एक, तो इसकी एक्स की लोकेशन बड़ी करनी चाहिए थोड़ी सी, और इसको 150 कर दूं तो ये गलबन राइट साइड पे इसको मूव हो जाना चाहिए। ज़्यादा हो गई है, 25 कर देता हूँ। तो फिर आप इस तरह ऑलमोस्ट ये हमने कर लिया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। और नेक्स्ट हम देखते हैं SVG इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग 2D ग्राफिक इन XML, और ये वेक्टर बेस्ड होता है और कैनवस गालबन पिक्सल बेस्ड होता है XML, और इसमें हम जावास्क्रिप्ट से बनाते हैं कैनवस में, और SVG से XML से बनाते हैं। तो XML भी एक लैंग्वेज है जिस तरह HTML की तरह ही है, और आप इसको कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ HTML है, क्योंकि पहले हमारे HTML 5 से पहले XHTML भी थी। तो ये हम यहाँ पे पूरा XHTML का भी कोर्स है, उसमें ये डिफरेंस वगैरह आपको पता लग जाता है कि बेसिकली XML जो है वो स्ट्रिक्ट किस्म की HTML ही है। तो अगर ये आपको टैग्स का कंसेप्ट है, टैग के अंदर टैग, तो ये ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलती जुलती नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्जन है। क्लोज चीज़ें मसलन लाजमी करनी है, और क्या ख़ास बात है ये जो मैं अंदाज़ा लगा रहा था ये यही था, पिक्सल बेस्ड है और वो वेक्टर बेस्ड है। ये रेजोल्यूशन डिपेंडेंट हो जाता है, पिक्सल बेस्ड है तो वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट हो जाता है। इवेंट्स हैंडल नहीं किए जा सकते, और इसमें इवेंट्स हैंडल किए जा सकते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स हैंडल कर सकते हैं। कोई एक्टिविटी हुई है तो जिस तरह यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि SVG डॉम ये मिल जाते हैं आपको, इसका मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट का आप कोड लिखेंगे तो उसमें ये आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये मैं मतलब इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन ये चीज़ अंदाज़ा लगा के तो पता लग रहा है कि इसमें पावरफुल ज़्यादा है, मुश्किल भी ज़्यादा है फिर इसमें बनाना। टेक्स्ट रेंडरिंग की कैपेबिलिटीज़ नहीं है, गूगल मैप SVG को यूज़ कर रहा है, और गूगल मैप को हम वैसे खोल के हम देख भी लेते हैं इसमें क्या चीज़ आती है हमारे पास। अगर इसका हम सोर्स देखें तो कंट्रोल यू मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये सोर्स आपको नज़र आ जाता है। तो वैसे ही हम इसको रिव्यू करना चाह रहे थे कि इसमें कोई ख़ास चीज़ है, बाकी तो ये देखिए HTML और ये टैग्स तो नॉर्मल हैं, बाकी ये स्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही है बहुत ज़्यादा, जावास्क्रिप्ट ही ये लग रही है ऑलमोस्ट। तो
एग्जामिन वाली बात तो इसमें नहीं लग रही। मतलब इस तरह की एप्लीकेशन बनाए तो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और इसमें .js फाइल्स हम देख सकते हैं कौन कौन सी लोड हुई हैं। ये अमूमन मुश्किल ही बनाते हैं इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करनी, कि आप इनको ट्रैक ना किया जा सके। एग्जाम एल को चेक करते हैं, एग्जाम एल से रिलेटेड भी काम इसमें हुआ हुआ है, बल्कि यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हुई हैं। एजेक्स के लिए भी एग्जाम एल ये इस्तेमाल करते हैं गूगल वाले बहुत ज़्यादा। एजेक्स के लिए ये रिक्वेस्ट, ये वाली जो रिक्वेस्ट है ना HTTP रिक्वेस्ट, ये इस्तेमाल करते हैं। यही स्टैंडर्ड है एजेक्स इस्तेमाल करने का, यानी पेज को रीलोड किए बगैर आप सर्वर से कम्युनिकेशन करें और डाटा रीड कर लें या राइट कर लें। तो इसमें कुछ प्रोसेसिंग लिखी हुई तो है, लेकिन ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हुई हुई है प्रोसेसिंग। बहरहाल इसको हम क्लोज करते हैं, इसको तो वैसे ही मैंने अभी चेक करने के लिए खोल लिया है। अच्छा, ये फिर एक चीज़ अच्छी है कि इसको जो आपने कैनवास बनाया है उस पर राइट क्लिक करके सेव एज वो इमेज कर सकते हैं। गेम्स वगैरह के लिए नहीं अच्छी है जनरल, और इसी तरह हमें पता है कि गेम्स में बिट मैप पिक्सल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा फिर चलती हैं रेजोल्यूशन। तो इसको हम अब नेक्स्ट जाते हैं कि मीडियाज़ वगैरह, बल्कि इसको मैंने SVG को मेंशन नहीं किया यहाँ पे, SVG को मेंशन करना चाहिए था। टाइम मैं बाद में नोट कर लूँगा। इसमें फिर ये कि जो लोग सिर्फ इसके हवाले से डिस्कशन देखना चाहते हैं तो उनको आसानी हो जाएगी। तो इसको हम यहीं पे फिर क्लोज़ करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम फिर ये मीडियाज़ के हवाले से देख लेंगे, फिर ये कुछ APIs हैं, तो फिर ऑलमोस्ट ये हमारा पूरा हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट हम साथ साथ करते रहें। तो ये हमारा फिर HTML का पूरा हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह ताला हम ये CSS की चीज़ें एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे, और फिर हम जावास्क्रिप्ट को गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर आखिर में हम PHP को करेंगे। तो PHP मतलब आपने पूरी वेब ऐप बनानी है तो ये आपको दोनों चीज़ें ही आनी चाहिए, फ्रंट एंड और बैक एंड। आजकल तो फिर ज़्यादा काम ये बूटस्ट्रैप jQuery में हो जाता है। बूटस्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क है और jQuery जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो एक लिहाज से फिर आप इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो कोर आपकी चीज़ें हैं। तो कोर भी आपको पता होनी चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सकें। और ये फिर जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं इनका भी पता होना चाहिए। तो इस तरह PHP के भी फिर आगे फ्रेमवर्क्स हैं, तो वो ज़िंदगी रही तो फिर इस पर भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे बात। तो अभी मैं आपको बीच में यहाँ पे एक और चीज़ उसके हवाले से बात करता हूँ। पहले मैं इसको नोट कर लूँ कि ये हमने जो मेन हमारा ये कोर्स वर्क है वो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है, और मतलब मेन हमने यही ग्राफिक्स का ही चीज़ की है। तो यहाँ पे इसका टाइम मैं नोट कर लूँगा। तो अभी जो हम चीज़ करने लगे हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये लिनक्स में सी लैंग्वेज या C++
ये किस तरह हम इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं? सी और सी प्लस प्लस डेवलपमेंट ऑन लिनक्स कैसे होगी? विंडोज़ में तो आप करते रहते हैं ये चीज़, वहाँ पे तो आम है। तो यहाँ पे हम टाइम देख सकते हैं, 1 घंटा और तकरीबन 10 मिनट हो गए टाइमलाइन में, 1 घंटा और 10 मिनट। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि सी या सी प्लस प्लस अगर आपने लिनक्स में डेवलपमेंट करनी है तो कैसे करेंगे। क्योंकि मुझे पिछले दिनों एक स्टूडेंट्स के साथ मिलने का इतफाक़ हुआ है जो यूनिवर्सिटी में पढ़, तो वो केमिस्ट्री के हवाले से थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनको सी प्लस प्लस ये सी लैंग्वेज के जो है ना उनको कोर्स करवा रहे थे। तो वो लिनक्स इस्तेमाल करते थे ज़्यादा, तो फिर मैंने उनको लिनक्स में बताया किस तरह ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। विंडोज़ में तो अमूमन डेव सी इंस्टॉल करते हैं और उसमें डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर आप लिनक्स के यूज़र हैं और आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करना चाहते, तो फिर आप उसमें किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। तो मैं भी अभी आपके सामने ही कोड लिखूँगा और इस पे हम देखते हैं। तो ये मैं एक टेस्ट फाइल बनाता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ सबसे पहले, इसको मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम 1 के नाम से, सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे program1.c। तो जैसे कि उसका कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ फाइल्स हम इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड stdio.h, ये फाइल हम इंक्लूड करते हैं, और फिर हम लिखते हैं जी मेन फंक्शन, उसकी रिटर्न टाइप मेन, और फिर हम इसकी बॉडी हमने बना दी जहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए हम जिस तरह ये प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल किया, और इसमें हम कुछ लिख देते हैं। प्रोग्राम 1, तो अभी हमने ये क्या काम शुरू कर दिया है, ये हमने जो आपसे शुरू में भी ये बात हुई कि हमारा मेन जो फोकस है वो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर है। लेकिन जब कोई ऑनलाइन नहीं होता, कोई क्वेश्चन आंसर्स का सेशन नहीं होता, तो फिर हम अपने वेब डेवलपमेंट के ये कोर्स शुरू कर देते हैं। तकरीबन हम देखें तो 1 आध घंटा शायद इस पे टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर उसके बाद हम कोई ना कोई आईटी के हवाले से कोई चीज़ करते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम हमने जो मैंने एक ईआरपी ओएस डेवलप किया है, उसमें लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेवलप किया है, और उसमें जो 2 मेजर ओपन सोर्स ईआरपीज़ हैं वो उसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं। तो ये आप मेरी साइट पे जाके इसके बारे में मज़ीद तफसील देख सकते हैं। तो इसी तरह इस दफ़ा इस टॉपिक को मैंने कवर करने का सोचा है। तो इसमें हम देखते हैं, ये हमने फाइल सोर्स फाइल बना ली है, इसको सेव कर लिया है, और देखिए हमने सेव किया है तो इसने ऑटोमेटिकली इसको उठा लिया है कि ये इसकी टाइप जो है वो सी लैंग्वेज है, तो कलरिंग वगैरह कर दी है। तो अभी बज़ाहिर तो मुझे लग रहा है मैंने ठीक लिखा है, लेकिन इसको हम कंपाइल करते हैं। तो लिनक्स की जो अक्सर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वहाँ पे आपके कंपाइलर वगैरह ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, पहले मैं कंट्रोल मूव करता हूँ सीडी डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है। तो इसमें कंपाइलर जो है लिनक्स में उसका नाम है सी 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 कंपाइलर, और सी प्लस प्लस की फाइल है उसके लिए जी प्लस प्लस के नाम से एक कंपाइलर है। तो दोनों ये टूल्स गालबन जी एन यू के हैं, जिन्होंने एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 80s के शुरू में, और फिर उसमें
एक मेन कर्नल पार्ट रह गया था वो 90s के शुरू में लिनस ट्रावाल ने बनाया, तो फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि वो उनका GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मशहूर हो गया। तो खैर वो एक लंबी स्टोरी है, तो इसको हम देखते हैं GCC PRO और टैब दबाया मैंने, बाकी उसने खुद फिल कर दिया है। तो इसको मैंने एंटर प्रेस किया तो ये उन्होंने कंपाइल कर दिया है। तो ये अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो ये फिर एतराज़ करेगा कि इसको इंस्टॉल कर लें, तो वो फिर तरीका यही होता है APT गेट इंस्टॉल और आगे जो भी टूल है उसका नाम। तो अभी मैं ls करता हूँ लिस्ट करने के लिए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे a.out के नाम से एक फ़ाइल बन गई है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह फाइल बनाता है और इसको एग्जीक्यूट अगर करना है फाइल को, अभी हम देखते हैं कि इस फाइल को अगर हम प्रॉपर नाम देना चाहें, मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये program1.out या सिर्फ program1 के नाम से ये बनाए तो कैसे होगा, और इसके कलर से भी पता लग रहा है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए /, लिख के और उस फाइल के नाम के कुछ करेक्टर्स टाइप करें, जिस तरह मैंने ए लिखा और टैब दबा दिया, बाकी उसने खुद फिल कर दिया। अब एंटर दबाया तो ये उसने जो हमने वहाँ पे आउटपुट लिखी थी कोड में वो यही थी, program1 और डॉट, और ये उसके बाद ही ये प्रॉम्प्ट जो है वो दोबारा से आ गया है, क्योंकि वहाँ पे हमने \n या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। अगर हम चाहते हैं नेक्स्ट लाइन पे आए तो फिर हमें कोड को चेंज करना होगा, यहाँ पे साथ ही \n लिखना होगा। लेकिन अभी मैं इसको अगर अप एरो प्रेस जो कीबोर्ड के ऊपर अप किया उसको प्रेस करता हूँ तो ये पिछली कमांड जो रिसेंट कमांड है वो आ जाती है। अभी मैं इसको रन करूँगा तो अभी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको मुझे फिर से कंपाइल करने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, अप एरो 2-3 दफ़ा प्रेस किया है, ये फिर कंपाइल हो गया है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब वो नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल मूव कर रही है, \n की वजह से ये डिस्प्ले प्रॉम्प्ट अगली लाइन पे इसलिए आ रहा है। तो जनरली ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप प्रॉम्प्ट को नेक्स्ट लाइन पे रहने दें। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें ये जिस तरह a.out है, ये हम कहते हैं कि ये इस तरफ जनरेट ना करें, क्योंकि बाद में हो सकता है हमने program2 बनाए तो उसके भी ये a.out ही बनाएगा, तो पिछली वाली के ऊपर वो ओवरराइड कर देगा। तो इसको हम खुद से, एक तो पहले इसको मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव a, टैब दबाया ये रिमूव होगी, ls किया गायब। तो मैं चाहता हूँ कि वो जब कंपाइल करे तो प्रोग्राम के नाम से बनाए, तो उसके लिए एक इसमें पैरामीटर है /o के नाम से, तो इसमें मैं PRO लिख के टैब दबाया और मैं चाहता हूँ ये सिर्फ इस नाम से program1 के नाम से एग्जीक्यूटेबल बन जाए। तो अभी फिर मैं ls करता हूँ तो हम देखते हैं कि ये program1 के नाम से एग्जीक्यूटेबल बन गई है। तो /.PRO और ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हमारे प्रोसेस है, और इसमें मैं चेक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको G++ लिखता हूँ तो क्या करेगा। तो लगता तो मुझे ये है कि ये एरर दे देगा कि G++ इंस्टॉल नहीं है, और अगर इंस्टॉल है तो ये इसको शायद कंपाइल कर दे। तो बहरहाल देखता हूँ मैं, तो ये अब यहाँ पे बता रहा है कि G++ जो है इंस्टॉल नहीं है। तो C++ के यानी कि कोड अगर हमने एग्जीक्यूट करना, इसमें कंपाइल करना है, तो फिर उसके लिए हमें मसला होगा। तो इसमें मैं चेक करता हूँ apt install और G++, देखता हूँ, मेरे ख्याल है नाम शायद यही है या कोई और होगा। तो ये मैंने इसका पासवर्ड इसका कर दिया स्कैन। तो ये इसी नाम से ही है G++। तो ये अभी ज़्यादा साइज़ ले रहा है, इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने C++ के कोड कंपाइल भी नहीं करना। वैसे मैं ये आपको बता रहा था कि अगर आप चलाते हैं इसको CC लिख के, और अगर वो आपके ये टूल्स इंस्टॉल नहीं हुए तो आपको ये इस तरह एरर देता है, और बाज़ वक़्त नीचे ये आपको बता भी देता है कमांड apt get install something जो भी। मेरे ख्याल से CC तो शायद नहीं है, वो कुछ और टूल इसका जो और नाम है उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल होती हैं, कोर समथिंग इस तरह का को कोई नाम है।
लेकिन चले हम इसको सर्च भी कर लेते हैं, इंस्टॉल सी कंपाइलर उबुंटू लिनक्स, जो मैं जो इस्तेमाल करूँ लिनक्स मिंट है, उबुंटू बेस्ड है, तो इसको मैं देख लेता हूँ एक नज़र। कोर यूटिलिटीज़ मेरे ख्याल इस तरह उसका नाम था, कोर यूटिलिटीज़ का। तो हाँ ठीक है, ये हम जीसीसी इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये क्योंकि पहले से ही मेरे पास इंस्टॉल है, तो इसलिए ये इस पे इसे बता दिया है कि कुछ भी करने की और ज़रूरत नहीं है, सब ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन है। अगर नया वर्जन इसका आया होता तो ये उसको भी अपडेट कर देता। तो ये फिर मैं आगे चलता हूँ। और यहाँ पे खैर, यहाँ पे मेरा इसका मकसद कोई सी प्लस प्लस की मेन सी लैंग्वेज की कोई बड़ी इसमें डेवलपमेंट करने का इरादा नहीं था। वैसे अमूमन मैं यहाँ पे स्पेस दिया करता था, तो यहाँ पे मैं स्पेस देके भी देखता हूँ। इसको दोबारा मैं कंपाइल करता हूँ और इसी तरह इसका मतलब है कि कोई इश्यू नहीं है, सही हो गया। तो चलिए, मैंने अभी आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि अगर सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को किस तरह कंपाइल करना है और किस तरह उसको एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इसको चलाने की कोशिश करें तो फिर क्या होगा। इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ और इसके मैं देखता हूँ कि अगर इसकी एग्जीक्यूट बिट ऑन होनी चाहिए, इसमें ये परमिशंस में आप हैं, तो एक तो इसकी ये एग्जीक्यूट बिट ऑन है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से इसको डायरेक्ट चल जाना चाहिए था। कुड नॉट डिस्प्ले प्रॉम, देर इज़ नो एप्लीकेशन स्टार्ट शेड्यूल फॉर, डू यू वांट टू सर्च फॉर। मेरे ख्याल में ये, खैर यहाँ पे इसको रन की ऑप्शन दे देनी चाहिए थी, पता नहीं किसी वजह से ये रन की ऑप्शन नहीं दे रहा। मैं इस तरह करता हूँ कि एक दफ़ा उसको कंपाइल करता हूँ विदाउट ओ और इसको देखता हूँ कि वो इसके ऊपर, अच्छा इसके ऊपर भी ऐसे ही शो कर रहा है। वैसे नॉर्मली ये होता है कि जो आपकी एग्जीक्यूटेबल बिट ऑन की हो, आप क्लिक करते हैं तो ये आपको उसको रन करने की ऑप्शन दे देता है। तो मैं अभी इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। और हाँ, इसमें फिर जब रन करते हैं तो उसमें ये इशू आता है कि ये रन होता है और साथ ही गायब हो जाता है। अभी तो चलो मेरे पास यहाँ पे इशू आ रहा है, वैसे वरना ये है कि अगर आप इस तरह के स्क्रिप्ट्स हों या उस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको रन या रन इन टर्मिनल इस तरह की ऑप्शन देता है। तो उसकी वजह ये है कि ये उसको टर्मिनल को खोलता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और साथ ही उसको बंद कर देता है, तो हमें इसलिए कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। तो उसका फिर हल ये है कि हमें इसको आखिर में इसमें, वैसे विंडोज़ में तो हम गेट सी एच एक यूज़ करते हैं, कोन आईओ डॉट एच इंक्लूड करते हैं, तो इसमें वो नहीं चलती। और इसमें एक ये सी एल आर एस सी आर एम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए, वो भी नहीं चलती। तो वो भी चले मैं आपको सच आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बेहतर अच्छा लगता है ना, आप जब किसी जगह पे एप्लीकेशन आपने देनी है तो उनको एग्जीक्यूटेबल दें,
जैसे लिनक्स का ही आपका कोई क्लाइंट इस्तेमाल कर रहा है लिनक्स, तो उसको आप ये एग्जीक्यूटेबल दें, सोर्स कोड ना दें, या उसको कंपाइल ना करना पड़े इस वजह से भी कि बाइंड्रीज आप दें और वो बाइंड्रीज पे क्लिक करें तो वो एग्जीक्यूट हो जाए। ये तो पहले कंसोल बेस्ड बाइंड्रीज हैं, वरना इसमें लाइब्रेरीज आपकी मिलती हैं, GTK जिस तरह एक लाइब्रेरी है, और इसी तरह एक और लाइब्रेरी है QT, ये GUI टाइप, जिसमें सामने ये डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है, ये GNOME एक इसका डेस्कटॉप ये उसमें बनी हुई है, तो ये भी GTK इस्तेमाल करता है। तो इसमें एक, चले मैं आपको बता रहा था कि वो फिर आपको एग्जीक्यूटेबल देने ज़्यादा अच्छी है, एक प्रोफेशनल तरीका है। तो यहाँ पे मैं इसको, जब आप एग्जीक्यूटेबल रन करते हैं और वो रन होके एकदम बंद हो जाती है, तो फिर उसको डिस्प्ले का पता नहीं लगता। तो इसमें फिर एक गेट सी के नाम से एक फंक्शन है, ये मैं अभी रन करता हूँ, नहीं चलेगा तो पता लग जाएगा, एरर देगा। गेट सी, चलो मैं गेट सी अच्छी लिख के देखता हूँ, ये वाला मेरे हिसाब से नहीं चलता था। डिड यू मीन गेट सी? अच्छा, बहरहाल इसी को मैं गेट सी और वाइड लिखता हूँ, पता नहीं इस तरह तो शायद नहीं चलेगा। इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहा है कोई वेरिएबल, गेट सी, इसको मैं सर्च कर लूँ, तो मेरे कुछ टाइम हो गया तो अभी जहन में नहीं आ रहा। गेट सी एच ऑन लिनक्स GCC, या सिर्फ लिनक्स ही कर देता हूँ। तो इसके लिए ये आपकी स्किल होनी चाहिए, सर्च करके अपनी चीज़ निकालने की। गेट केयर है, मतलब ये फिर मैं थोड़ा सा भूल गया, गेट केयर पूरा है। गेट केयर पूरा फंक्शन है, तो फिर से कंपाइल करते हैं और ये कंपाइल हो गया। तो अब इसको हम रन करते हैं, तो इसमें ये प्रॉम्प्ट अब ये कर रहा है, तो आपसे ये करेक्टर गेट करेगा। वैसे तो इसका मकसद कुछ और होता है, गेट करेक्टर करता है और उस करेक्टर के ऊपर अपनी प्रोसेसिंग करनी होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रोग्राम में ये एग्जिट तभी हो जब हम कुछ इसमें टाइप करें, ताकि हमारे पास एक ये पॉइंट बन जाए एग्जीक्यूशन रोकने का, कि आपको डिस्प्ले नज़र आए अगर कोई इस तरह GUI में क्लिक करता है आपके प्रोग्राम को, डबल क्लिक, तो उसको भी फ़ायदा हो सके। तो अब जैसे यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया मैंने, तो अब ये मेंशन भी करना चाहिए कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो ये फिर हम इसी को कॉपी करते हैं, प्रिंट एफ वाले फंक्शन को, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इसमें ब्रैकेट में इसको मैं लिखता हूँ प्रेस एंटर की टू एग्जिट, या समथिंग कुछ मैसेज होना चाहिए, और इसको बैक स्लैश एन के साथ करता हूँ, ताकि ये एक लाइन का बीच में गैप आ जाएगा। तो फिर इसको भी कंपाइल करता हूँ और फिर
फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, प्रेस एनी की टू एग्जिट, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ ये गलत जगह पे बैक स्लैश एन गलत जगह पे लगाया है, तो चलें इसको फिर कंपाइल फिर एग्जीक्यूट। तो अभी ये ज़्यादा रीजनेबल, एंटर की प्रेस की तो हो गया। अभी फिर इसी चीज़ को मैं इसमें एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। वैसे इस पे वो सिंगल उससे ही होना चाहिए, लेकिन किसी वजह से ये नहीं चल रहा। तो ये चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि उसमें यही होता है कि आप उस पर रन पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो वो आपसे पूछता है इसको रन कर दूँ, तो आप उसको रन पे क्लिक कर देते हैं या रन इन टर्मिनल पे क्लिक करते हैं। तो अब ये थोड़ा से आपको एक अच्छा उसमें प्रेजेंटेशन आ जाती है। तो चलें ये तो हमारा सी लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ हो गई, कि अगर आप यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स है सी लैंग्वेज का और आप लिनक्स पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, या लिनक्स पे आप स्विच करने का सोच रहे हैं और आपकी एक ये रुकावट है, तो उसके ये हल है। अच्छा ऊपर ये है कि जैसे इसको हम यहाँ पे रन कर रहे हैं तो ये स्क्रीन को क्लियर नहीं कर रहा है, तो इसके लिए फिर इसमें वैसे तो हम कोन आईओ डॉट एच इंक्लूड करते हैं और उसमें फंक्शन है सी एल आर एस सी आर, ये हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन नहीं चलता। तो इसको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको देता हूँ, उस पर एरर दे रहा है। कौन आयो मैं इसमें इंक्लूड करके भी चेक करता हूँ, सीएन आयो डॉट एच, और यहाँ पे वो दूसरा फंक्शन भी मैं गेट सी एच वाला कर लेता हूँ। इसको मैं वक्ती तौर पे कमेंट कर देता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए। तो पहले तो इसने यही कौन आयो पे एतराज़ लगा दिया है, तो चले मैं एक और चीज़ ट्राई करता हूँ। इसमें कौन आयो बाज़ लाइब्रेरीज की डॉट एच लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं सिर्फ कौन आयो ही करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी चेक करता हूँ फिर कंपाइल, नहीं इसके देखें ये नहीं करता, तो फिर इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे याद है कि क्लियर के नाम से एक फंक्शन था, क्लियर सिर्फ सिंपल क्लियर। तो चले मैं अपनी याददाश्त भी टेस्ट कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में ये कंपाइल हो जाएगा। ओह नो, अच्छा उसमें फिर मैंने नीचे गेट सी एच इस वाले को नहीं कमेंट किया, फिर से कंपाइल। ओह नो, अब ये भी शायद मुझे भूल गया है, मुझे लग रहा था कि मैंने ये ठीक लिखा है। क्लियर, फिर से सर्च सी एल आर एस सी आर इन लिनक्स सब्स्टिट्यूट ऑफ अच्छा सिस्टम क्लियर के नाम से, लेकिन मुझे क्यों याद पड़ता है कि सिर्फ क्लियर था, क्लियर के नाम से फंक्शन था। चलो इसको भी मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये हमारी कोड फाइल है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ये इसको हमने क्लियर कर दिया और कंपाइल। हाँ उसमें फिर हमने वो हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की, लेकिन मैं ये करना भी नहीं चाहता।
यहाँ पे वैसे टर्मिनल में आप क्लियर लिखें तो ये स्क्रीन क्लियर कर देता है, लेकिन अभी हम खैर प्रोग्राम से चाहते हैं कि वो करे। यहाँ पे तो खैर ये इसी पे एतराज़ कर रहा है, सिस्टम के ऊपर ही। उसकी वजह वो ये है कि हमने लाइब्रेरीज को इंक्लूड नहीं की। यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ है। इन लिनक्स यू कैन यूज़ एन सी लाइब्रेरी टू यूज टर्मिनल टेक्स्ट बफर मोव टू टू यू कैन क्लियर स्क्रीन विथ क्लियर। चलो जी अब इनकी बात को चेक करने के लिए इसको मैं इंक्लूड करता हूँ, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा था और मेरे ख्याल था इसके बगैर ही चलता है, लेकिन अब ट्राई करने के लिए इसको कंपाइल चलिए इस पे तराज। दूसरा मैं बाज़ जगह पे ये उसके बगैर करता है काम, तो इस वजह से मैं इसको ट्राई करता हूँ, फिर भी इतराज़, फिर इसको मैं कमेंट ही करता हूँ, दोबारा से कंपाइल करता हूँ, अब वो इस पे एरर देगा। ठीक है जी, डिड यू मीन क्लियर एरर? नहीं, या अभी लाइब्रेरीज अपडेटेड हो गई हैं या सी लैंग्वेज यूनिक्स के ऊपर फॉर जीसीसी एंड सी कंपाइलर। यहाँ पे तो ये स्टडी लिब। अच्छा जी, एसटीडी लिब इस्तेमाल करनी है, एसटीडी लिब नहीं। अच्छा नहीं, इसमें फिर हमने इसको कमेंट करना है और इसको ओपन करना है। कंपाइल हो गया और अब हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट भी हो गया, तो ये फिर हमारे पास हो गया है। लेकिन इसका मतलब है कि सी लैंग्वेज की कुछ चीज़ें मैं भूल रहा हूँ। एनीवे, मकसद यही था कि आपको एक सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करके देना है, क्योंकि ये अमूमन ये दो चीज़ें इश्यू आता है, एक स्क्रीन क्लियर का और एक ये करेक्टर गेट करने का, क्योंकि आप जब एग्जीक्यूटेबल को रन करते हैं तो फिर आपका इश्यू आता है। वैसे तो खैर हम यहाँ पे मैन्युअली कमांड देके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता उस तरह,
अभी मैं अभी के लिए ऐसे ही रन करता हूँ, सही होगा। तो ऑलमोस्ट हमारा टाइम भी क्लोज के करीब है। ये हमारी डेमोन्स्ट्रेशन सी लैंग्वेज के हवाले से पूरी हुई, और वैसे आप डेफ सी में करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप लिनक्स इस्तेमाल करते हैं तो आप ये लिनक्स के अंदर भी इसको सारा कंपाइल कर सकते हैं, और बल्कि अगर आप लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि लिनक्स इस तरह के रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट्स, टूल्स डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इस तरह की चीज़ों को इसमें ज़्यादा आपको सपोर्ट नज़र आती है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इस प्रोग्राम को भी क्लोज़ करता हूँ। तो चलें फिर वापस हम आते हैं अपने मेन वेब डेवलपमेंट के हवाले से। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें मुझे ज़हन में आ गई हैं, इसमें डिस्कस करनी थी। मेरे पास व्हाट्सएप में, मुझे मैंने ग्रुप में, जो हमारा इसमें ग्रुप है व्हाट्सएप का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसके, ये सेशन स्टार्ट होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ, जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है तब इस ग्रुप में बताता हूँ, या कोई और क्वेश्चन आप ड्यूरिंग द वीक करना चाहें तो इस पर आप कर सकते हैं, लेकिन वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही, और बाकी शेयरिंग वगैरह करने की इजाज़त नहीं है। तो इसमें इसमें एक बात तो मुझे ऑडियो मैसेज में ये कही गई थी कि एक भाई ने सजेस्ट किया है कि अगर बजाय इसके कि मैं ये 2 घंटे या 3 घंटे की कंटिन्यूस ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, इसकी बजाय मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाऊं। तो इसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन आपके पास पहले ही ढेरों की तादाद में ये ऑनलाइन इस तरह के ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। वेब डेवलपमेंट करनी है, सी लैंग्वेज सीखनी है, लिनक्स को सीखना है, अब ढेरों आप यूट्यूब डिफरेंट जो कोर्सेज हैं वहाँ पे फ्री कोर्सेज भी कुछ मिल जाते हैं, जो साइट्स हैं। तो मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस तरह के टूल्स, इस तरह के ट्यूटोरियल्स बेताशा पड़े हुए हैं। तो जो बीच में रुकावट वाली बात है वो यही होती है, जब आप इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं स्टक होते हैं। तो मेरा इस ये लाइव वेब डेवलपमेंट सेशन ये स्टार्ट करने का बुनियादी मकसद ही यही था कि आप जहाँ पे स्टक होते हैं वो आप पूछें, क्वेश्चन करें, उसका आपको आंसर मिले। तो आप अगर इस तरह का कोई शुरू करना चाहते हैं तो बिला झिझक करें, मैं आपको तो नहीं रोक सकता, लेकिन मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि अब ये इसमें टाइम स्टैम्प या चैप्टर्स, ये मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि मेंशन करूँ कौन सी चीज़ किस जगह पे है, और बाज़ दफ़ा मैंने ऐसे भी किया है कि वीडियो मैंने इसी तरह लाइव रिकॉर्डिंग के अंदर अपने कुछ, जो मैंने एक वीडियो अलग से बनानी थी वो इसके दौरान ही रिकॉर्ड कर लिया, और बाद में इसको यूट्यूब का जो एडिटर है उसके अंदर से इसको निकाल लिया, जिस तरह जो ERP ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी इंस्टॉलेशन वीडियो मैंने इसी तरह निकाली थी इसमें से। तो ये चीज़ पॉसिबल है, इसको किया जा सकता है, या फिर डाउनलोड करके फिर उसको अलग अलग, जिस तरह यहाँ पे चैप्टर्स मैंने बनाए हुए हैं वो अलग अलग से वीडियोस बन जाए, इस तरह पॉसिबल है, लेकिन इस सारी चीज़ पे टाइम लगता है। प्रोसेस, वीडियो प्रोसेसिंग अच्छा खासा टाइम टेकिंग जॉब है। तो मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं अमूमन इसको एज इट इज़ अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैं उस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। तो बाकी अब टाइम इसमें मैनेज करना है तो आप ये टाइम स्टैम्प या जहाँ पे चैप्टर्स लिखा हुआ है तो इसको आप फॉलो कर लें, किस जगह पे क्या चीज़ है, आपकी इंटरेस्ट की चीज़ है आप सिर्फ वो देख लें, वरना ये कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इसमें हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको ड्यूरिंग द वीक भी जवाब मिल सकता है, वरना ये कि जो इस तरह सेशन जब रिकॉर्ड होगा उसमें जवाब मिल जाएगा, जिस तरह कि अभी मैंने ये जवाब
दे दिया कि जो मुझे सजेशन एक आई थी कि अपनी जगह पे अच्छी सजेशन है, लेकिन मेरी उसकी तरफ दिलचस्पी नहीं है कि मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊं। तो मेरा इसी तरह सेशन ये रिकॉर्ड करने का है इरादा, और मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करता रहूँगा कि इसी तरह वीकली सेशन रिकॉर्ड करूँ। अगर कोई ऑनलाइन होता है तो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो वेल एंड गुड, और ज़्यादा अच्छी बात है। या फिर यह कि मैं जिस तरह ट्यूटोरियल ये खुद शुरू कर दिया है, इसको फॉलो करता रहूँगा। और दूसरी इस तरह कोई आईटी के हवाले से कोई चीज़ जहन में आती है वो शेयर करूँगा। और तीसरा काम मैंने पिछले चंद सेशंस में किया है कि और जो सीनियर प्रोफेशनल डेवलपर हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ या डिस्कशन ऑनलाइन की जाए, तो वो भी बहुत अच्छी मुफीद चीज़ है। अलबत्ता अगर आप इसकी इस तरह के छोटे छोटे ये वीडियोस बनाना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, आप बनाएं। बल्कि जिस तरह यहाँ पे मैंने पीछे एक वीडियो जो रिकॉर्ड की थी उसमें टाइम स्टैम्प की काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज थी, जिसमें नदीम साहब का इंटरव्यू डिस्कशन उनके साथ थी। तो वो बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ये आप इसमें देखें। तो ये शायद कोई गलती से वीडियो इसमें शामिल हो गई है। तो गालबन ये वाली जो रिकॉर्डिंग है इसमें टाइम स्टैम्प काफ़ी इसकी बड़ी थी। जी ये वही है। तो इसमें छोटे छोटे देखें ये इसमें वीडियोस बन सकती हैं, तो इसमें आपको मैं कहता हूँ आप बनाना चाहें तो बेशक बनाएं, टाइम स्पेंड करें इस पर, लेकिन मैं इस पर नहीं करना चाहता। बाकी अभी इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे ये सेशन थोड़ा सा अपने जो नॉर्मल रूटीन है उससे हटके बनाना पड़ा है, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे श्योरिटी भी नहीं थी कि मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। और फिर मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ है चले कुछ सेटिंग बन सकती है, फिर ट्राई किया नेट का, फिर मुझे कंफर्म नहीं था नेट सही चलेगा या नहीं चलेगा, शुरू में ये मसला कर रहा था। तो अभी तो खैर ठीक ही चल रहा है तकरीबन, तो इसको मैं वैसे ही क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि अभी ऑलमोस्ट क्लोज ही करना है, अभी किसी से उम्मीद भी नहीं ज्वाइन करने की। तो बाकी इंशाल्लाह ये फिर रिकॉर्डिंग तो आपके पास आ ही जाएगी। यहाँ पे फिर मैं मेंशन करना भूल गया टाइम, इसमें मैं मेंशन कर दूँगा। इसमें जो ऑडियो में मुझे ग्रुप में मैसेज मिला था तो इस मैसेज को मैंने आंसर किया, इसको मैं टाइम स्टैम्प में शामिल कर दूंगा और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और बेहतर कर दूंगा। तो ठीक है फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर हाज़िरी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।